ओके दोस्तों, अभी मॉर्निंग में मैं पहुंच गया हूं अल खंजरी ट्रांसपोर्ट। इधर से मेरा 6 बजे का दुबई के लिए बस है, तो अभी मैं बस में जाऊंगा। चलो चलते हैं। Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ये हमारा बस है और अभी इधर से जर्नी स्टार्ट होगा। शायद 4 घंटा लगेगा उधर पहुंचने के लिए, लेकिन इमिग्रेशन में मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, तो फिर चलो बाय बाय। और ये है हमारे साथी हेल्प करने वाले, तो ये हमारे साथी रहेंगे। चलो गए। बस में पहुंच चुका हूं। बस में वाईफाई फ्री है, चार्जिंग का पॉइंट है, फुल्ली एसी है, मस्त कंफर्ट है। जर्नी 3-4 घंटे की है, तो कुछ इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी मेरे को भी पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। जल्दी जाते चले जाते और एक नया एक्सपीरियंस, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना बाय बस, और मजा आने वाला है। ये है मेरा अल खंजरी का टिकट दुबई का, और मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो यूएस पासपोर्ट पे, मीन्स यूएस वीज़ा पे। तो मेरे को वीज़ा की इतनी ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन निकालना, मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है। मैं जब भी बॉर्डर पे रुकूंगा तभी ऑन अराइवल वीज़ा मेरे लिए फैसिलिटी अवेलेबल है ही। लेकिन मैं पहली बार ही ट्रैवल कर रहा हूँ बाय बॉर्डर, तो मेरे को भी मालूम नहीं है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। आगे मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, वो लोग क्या पूछते हैं। शायद अता बॉर्डर से पहले ओमान का एग्ज़िट बॉर्डर आएगा, तो हम लोग को पहले एग्ज़िट कराना है, उसके बाद ही वीज़ा ऑन अराइवल लेके फिर एंट्री करना है दुबई में। चलो आगे चलते। ये टिकट मेरे को पड़ा था 10 रियाल में। पहले मवासलक की बस चल रही थी तभी बहुत, मीन्स 4.5 रियाल में टिकट मिल जाती थी। लेकिन शायद क्या वजह रही होगी, मवासलक बस वो लोगों ने बंद कर दी। 2-3 रीज़न है, एक तो कोरोना का भी रीज़न है, और मेरे को पता चला कि बस में से कि बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो शायद वो भी रीज़न रहा होगा बस बंद होने का। देखते और भी इसमें ये लोगों ने क्या किया। 5 रियाल से ले थे 4.5 रियाल, उससे बढ़ा के 9 रियाल किए, लेकिन अभी ये लोग रिसेंटली 10 रियाल ले रहे हैं, तो शायद दुगना हो गया। जो 5 रियाल में अब हमारी ट्रिप होती थी अभी 10 रियाल में हो रही है, उधर 9 रियाल में रिटर्न ट्रिप होती थी मवासलक की, और अभी इधर 20 रियाल की हो रही है। तो शायद कोरोना का इफेक्ट ही है दुगना। चलो बाय बाय। हाय दोस्तों, अभी बस पेट्रोल पंप पे रुकी है, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक दिया है, और इधर से फिर आगे जाएंगे। 10 मिनट में चाय पानी नाश्ता जो भी करना है कर सकते हो। ओके Yeah, I'm about
about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. मैं हत्ता बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ. सबसे पहले डिपार्चर होगा, एग्जिट स्टैम्प लगेगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे. शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो भी देखते हैं. इधर आगे से दिखाता हूँ पूरा. ये दोस्तों अभी मैं ओमान इमिग्रेशन पे खड़ा हूँ, और इधर जब लोग हमारा बस खड़ा हुआ तो 5 मिनट में सब लोग अंदर चले गए. और अंदर जाके एक क्यू बनी रहती है, उधर खड़ा रहना है. और जब भी आपका नंबर आएगा तभी इमिग्रेशन ऑफिसर रहता है, उसके सामने आपको कुछ सवाल जवाब करेंगे, तो वो जवाब का आप सवाल जवाब का आप जवाब दे दो. ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है. कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली फॉर पासपोर्ट. जिसके मेरे पास तो US वीज़ा था इसलिए पासपोर्ट, जिसके पास US वीज़ा नहीं था नहीं है और लोकल है वो लोग के लिए इधर के लिए वीज़ा लाजिम चाहिए. तो UAE का वीज़ा होगा तभी जाके इधर से एग्ज़िट का स्टैम्प लगाएंगे. मेरा ऑलरेडी एग्ज़िट का स्टैम्प लग गया है, और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बस के और मेरे पीछे ही बस खड़ी है. आप देख सकते हो पूरी आराम से. ओके दोस्तों, अभी मैंने UAE बॉर्डर पार कर लिया है. ये बॉर्डर का नाम था अल वजाजा, जो दुबई और ओमान के बीचों बीच आया हुआ है. ये बॉर्डर पे मैंने जब भी एंटर किया इमिग्रेशन ऑफिस में, तो मेरे पास US वीज़ा था, उसकी वजह से मेरे को दुबई का वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, और मेरे को सिर्फ पीछे एक काउंटर था उधर भेजा. सिर्फ 143 दिराम में मेरे को वीज़ा वो लोगों ने 14 दिन का वीज़ा मेरे को दे दिया, और कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं लगी. सिर्फ मेरे पास पासपोर्ट था, उसमें मेरा US वीज़ा लगा था, उसकी वजह से मेरे को एक भी डॉक्यूमेंट लगा नहीं, और इजीली वीज़ा मेरे को मिल गया और मेरे को एंट्री भी मिल गया. दोस्तों अभी मैं उतर गया हूँ UAE में, मीन्स दुबई में. चलो, मेरे पीछे मेरी बस थी, अभी स्टॉप है नियर बाय क्लॉक टावर.